हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सब मेरी वीडियो देख रहे होंगे और उन एक्सरसाइज को कर भी रहे होंगे, ऐसे ही आप सब से आशा करती हूँ। देखिए, मैं आज संडे स्पेशल ब्लॉग बना रही हूँ, ये मेरी है योगा क्लास। देखिए, मैं आज थोड़ा जल्दी आई हूँ, अभी मेरी दो ट्रेनिंग आने वाली हैं। देखिए, यहाँ पे अभी मैंने एड वगैरह नहीं करा है कुछ भी, तो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं आती हैं, ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते हैं, कभी दो, कभी तीन, कभी चार, बस चार से ज़्यादा नहीं आती है। पहले जहाँ मेरी क्लास चलती थी वहाँ पे मेरे पास 10 लेडीज़ हो गई थी, तो लेकिन वहाँ से कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने ड्रॉप कर दिया। तो मैंने नया नई जगह लिया है, यांटा चौड़ा लेते हैं जावरा में, और वेनिला जो पार्लर है, ब्यूटी पार्लर सैलून, उसके ऊपर ही, और गोल्डन जिम भी चलता है नीचे सेकंड फ्लोर पे, मेरा थर्ड फ्लोर पे है। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मैं एरोबिक्स करवाती हूँ, योगा एक्सरसाइज करवाती हूँ, मेडिटेशन करवाती हूँ, और जो है बीमारियों का योग से निवारण, बीमारियों को योग द्वारा कैसे खत्म किया जाए। देखिए, आप टेबलेट्स ले लेकर थक जाते हैं, लेकिन आपकी बीमारी जड़ से कभी खत्म नहीं होती। योग ही एक ऐसा उपाय है जो बीमारी को जड़ से खत्म। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप दवाइयाँ ना लें, टेबलेट्स ना लें, धीरे धीरे उसको कम कर दें और योग पे ध्यान दें। पहले योग पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, कम से कम 6 महीने तक आप लगातार एक्सरसाइज करें और मेडिसिंस भी लेते रहें, उसके बाद आप मेडिसिंस कम कर दें। देखिए, आप खुद अपना चेकअप करवाएं डॉक्टर से, लैब में जो भी आपको बीमारी होगी वह धीरे धीरे आपकी खत्म होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये 6 महीने की एक्सरसाइज, रेगुलरली एक्सरसाइज करने के बाद आप खुद देखेंगे, आप खुद टेस्ट करवा के देखिएगा कि आपकी बीमारी किस हद तक कम हुई है। उसके साथ साथ हम मैं डाइटिंग का भी बताती हूँ, थोड़ा सा खाने पीने की चीज़ों का भी बताती हूँ, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बताती हूँ बीमारियों का। देखिए, मैंने बीमारियों का योग से इलाज में डिप्लोमा किया है छतरपुर यूनिवर्सिटी से। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है बहुत काम का है डिप्लोमा। देखिए, जो भी मुझसे करके जाता है, जो भी मेरे पास एक्सरसाइज करके जाता है, वो हमेशा मुझे याद करता है और कहता है कि आप जैसी कोई और नहीं करता। देखिए, अभी दो ट्रेनिंग मेरी आने वाली है, उनसे भी आपको फीडबैक दिलवाऊंगी। वो लोग इंदौर से जावरा आई थी, उन्होंने सुना था जावरा में वो मेरे साथ कर रही हैं, उनके रिलेटिव्स के यहाँ रुकी हुई हैं वो, तो 15 दिन के लिए सिस्टमेटिक सीखने के लिए आई थी, कुछ उनको प्रॉब्लम्स भी है तो उसके लिए भी वो आई थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक्सरसाइज पर ध्यान दें, मेरा यही कहना है। मेरा खुद सेल्फ ऑब्जर्वेशन है कि बीमारियों को बहुत हद तक आप योग से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर है, यूट्रस में सिस्ट्स हैं, आपको स्टोन है किडनी में, गॉल ब्लैडर में, और ये छोटी मोटी बीमारियाँ जुकाम खांसी वगैरह, ये तो तुरंत ठीक होती हैं, लेकिन इन मेजर बीमारियों के बारे में बता रही हूँ, हार्ट जैसी बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियाँ, इन सब के लिए योग में बहुत अच्छे योगासन हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज हैं। तो अगर आप खान पान पे भी थोड़ा सा ध्यान दें और ये एक्सरसाइज और योगासन करते रहें, तो फ्रेंड्स, आपकी बीमारियाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर वो वापस नहीं आती हैं, योग करते रहने से फिर वो वापस नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स, देखिए, बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको ट्रेनिंग से मिलवाती हूँ। उनके पास एक्सरसाइज के लिए आ रहे हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से करवाते हैं, बहुत और एक्सरसाइज के उनके बेनिफिट बताते हैं और बहुत ध्यान से करवाते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ मूव होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, इससे आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आपकी बॉडी ऐसे मूव हो रही है तो हर चीज़ के बेनिफिट बताते हैं। तो योगा में यही है कि आप वैसे कहीं भी आप कर लो, किसी उससे कोई मुश्किल, किसी को कोई बैक पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैम यहाँ क्या है, मैम एक चीज़ की बेनिफिट बताते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से करवाते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगा मैम के यहाँ के। ओके फ्रेंड, बाय। इसके बेनिफिट्स भी बताते हैं और बताते भी हैं मैम के क्या पोर्शन रखना है, कैसे रखना है, सब चीज़ बहुत बारीकी से मैम समझाते हैं। तो और मैम के जो चार्जेस है वो भी हमारे इंदौर से काफ़ी हद तक
कम है, इतने कम चार्ज में इतनी अच्छी एक्सरसाइज करवाते हैं मैम। प्लीज़ आप मैम की क्लास ज्वाइन कीजिए अगर जावरा में है तो, या फिर आप मैम जो योगा की जो एक्सरसाइज डालते हैं वो भी आप इनके चैनल पे जो यूट्यूब पे होती है वो देख के आप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज, इजी एक्सरसाइज है। और प्लीज़ मैम के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स।